तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा कर्व का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेरिएंट। अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बहुत सारी चीज़ें बेस्ट हो जाती है। और फिलहाल ये आप देख रहे हैं, ये है प्योर प्लस सनरूफ। अब ये प्योर प्लस सनरूफ क्यों एक इम्पॉर्टेंट पहलू होगा, मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो कीमतें सबसे परफेक्ट है इस वेरिएंट के हिसाब से, पूरी तरीके से सटीक इन्वेस्टमेंट जिसमें डिस्प्ले प्रोवाइड कराए गए हैं, सनरूफ भी मिल जाता है। तो क्या ये सिर्फ बेस मॉडल का हमें इंतज़ार करना चाहिए या फिर इस वेरिएंट पे भी पैसा लगा सकते हैं, मैं कुछ देर में अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो आप पूरी तरीके से जॉइनिंग DRL का उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि इस वेरिएंट और इसके ऊपर में आपको साइड में ही DRL प्रोवाइड कराए गए हैं, इसके सेंटर वाले भाग में ये जॉइनिंग DRL मिसिंग है। अदरवाइज़ वही आपको प्यारा सा पियानो ब्लैक फिनिश टच और वहीं पर एक अच्छा क्रोम, जो डिज़ाइन ऑफ बीट एलिमेंट इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं वो दिखता है। एंड ऑन डॉट किसी भी हाल पे ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट से बेहतर लगता है। नीचे बम्फर में पियानो ब्लैक फिनिश की किसी भी तरीके से कमी न करते हुए पूरा लहर इन्होंने रखा है, जो कि बेस्ट पार्ट रहेगा। रेड में हाईलाइटिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ बीट कलर के हिसाब से ये मैचिंग कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। अदरवाइज वाइट में जैसे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइट वही फॉर्म एक अच्छा ग्लेंस में दिखेगा। फिलहाल इसके और इसमें भी कंपैरेटिवली मैं बताने वाला हूँ। अदरवाइज सबसे प्यारा कलर जो सबको पसंद आ रहा है वो ये वाला है, और आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे DRL के सेटअप पे छोटी मोटी बारीकियों में चार लाइनिंग और DRL फॉर्म मिल जाते हैं। वहीं पर जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ तो एक अच्छा प्रोजेक्शन का आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और नीचे यहाँ ऑफकोर्स फॉग लैम्प मिसिंग है, बट पियानो ब्लैक फिनिश में पूरी तरह से कवरिंग लगता है। अब देखिए क्या क्या डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आपको व्हील सेटअप पे चेंज आएंगे। हालांकि ये ऐसा एकदम तगड़ा दिखता है कि कुछ अलॉय व्हील है, बट अगर आप जैसे इसको क्लोज पर देखेंगे तो नट अंदर इम्प्रिंट है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि ऊपर एक व्हील कवर पैटर्न रखा गया। अब ये डिज़ाइन को कहीं ना कहीं आप देखें तो मैं आपको वाकिफ करवा देता हूँ, ये एक हाइपर व्हील डिज़ाइन जैसा लगता है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये हाइपर व्हील पैटर्न में मिला है। अदरवाइज जैसे आप देख रहे होंगे तो नट अंदर है, मतलब ये सिर्फ एक प्रकार का कवर। अदरवाइज मैं पास से देख रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी नॉर्मल से कई ज़्यादा ऊपर लग रही है। अब कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के आपको टायर्स मिल जाते हैं, तो एक बेस्ट पार्ट इस ऑल ओवर वे पे लगा कि 215x60 R17 इंच के इस में सेक्शन मिलते हैं कुछ इस ग्रिपिंग के साथ, तो पैसे के मामले पे ये एक सटीक साबित होगा। फिर जैसे मैं दाऊँ तो यहाँ पर एक प्यारी सी ब्लैक टच पे आपको मिरर्स मिल जाएंगी। वहीं पर एंट्री के लिए कुछ इस प्रकार का मैं जैसे दबाया और ये हो गया एंटर। वहीं पर कीज़ के बारे में बात करें तो कीज़ कैसा प्रोवाइड कराए गए हैं, तो कुछ इस प्रकार के आपको ओपनिंग फ्लिप कीज़ मिल जाते हैं दोनों साइड पे। और वहीं पर जैसे मैं यहाँ पर इसको चालू करूँ, चालू करने के बाद मेन खेल चालू होता है, और ये है सिंपल पैटर्न पे एक सटीक MID स्क्रीन। अब जैसे ही MID स्क्रीन की बात आती है तो बहुत सारे चीज़ों पे सवाल आता है कि जैसे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है तो क्या ये बेहतर है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ, एक सटीक पैमाने में ठीक ठाक डिस्प्ले फॉर्म मिल जाता है। ठीक ठाक इसलिए शब्द बोल रहा हूँ अगर आप इसके ऊपर वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, अदरवाइज़ कीमतों के हिसाब से टैली करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। बस लेफ्ट और राइट साइड का कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और हीट कितना है, ये थोड़ा सा आपको शेडो और शैबी लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर वेरियंट्स, बट यहाँ पर वही पुराने मिलते जुलते आपको हर्मन्स के टच स्क्रीन मिल जाते हैं, जो कि बेस्ट क्यों है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे नॉर्मल यूज़ जो आप पहले कर चुके हैं तो उसके हिसाब से देख रहे होंगे, तो नॉर्मल जितनी भी इसमें ऑप्शंस मिलते उसके हिसाब से आई थिंक ये एक बेस्ट शुरू से था और अभी भी कंटिन्यूशन में वो अच्छा लगेगा। अब वहीं पर आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, तो सेंटर पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्म पे यहाँ पर मिल जाता है, और ये देख रहे होंगे तो ये वाइटिश है, बट ये वाइट सिंपल तरीके से नहीं है। क्यों, अब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो जैसे क्लोज में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो हल्का सा ये ग्रे पैटर्न का टच थोड़ा बहुत चलता मिलता मिल जाता है। इसके अलावा जैसे नीचे देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से अगर मैं इसे हटाऊं तो टिप ऑन पियानो ब्लैक फिनिश के खूबसूरत से टच इसमें मिल जाते हैं, जो कि आई थिंक इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ये जैसे नॉर्मल मैं दिखाऊँ तो ये 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ऑफकोर्स ये आता है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को रखने के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाती है, जैसे यहाँ पर साइड ग्लव्स में
तो ये कोई वेरिएंट का फ़र्क तो नहीं है, बट फिर भी दैट्स द थिंग। अब आते हैं इसके मेन खेल पर, और वो है क्या आप पूछेंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इसका इंटीरियर का सेटअप। जैसे यहाँ पर प्योर वाइट ना रखते हुए हल्का सा ग्रे का जो मिश्रण रखा गया, वो क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके जो सीट कवर हैं इसे ग्रे में रखा गया है। और मैं फील कर रहा हूँ कि इस सेगमेंट के हिसाब से गाड़ी जो कुशन दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक और सॉफ्ट है। आई थिंक डेफिनेटली टाटा में आने वाले समय में भी इसे ध्यान रखना चाहिए कि लोग अगर इसे सॉफ्ट और सटीक एकदम थाई सपोर्ट वाली क्या बोलते हैं निचले मॉडल में अगर वो पसंद करते हैं, तो आई थिंक मेन एक ख्याल से मेन सेलिंग पॉइंट पे ये उन्हें हमेशा देना चाहिए। उसके अलावा यहाँ मैं दिखाया जैसे ड्राइवर को ड्राइवर पर्सपेक्टिव से वैसे ही सेम, हालांकि दूर से वाइड लगता है पर ग्रेश टच है। वहीं पर यहाँ जैसे देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश टच आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा हाँ थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, जो आप देख रहे हैं सही देख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊं ऊपर कंट्रोलिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर सनरूफ देने का एक बेस्ट प्रायोरिटी टर्म रहा। जैसे मैं फ़िलहाल अगर इसको चालू करता हूँ गाड़ी को और हल्का सा इसको मैं दबाऊं, तो वन टच में ये पूरी तरीके से क्लोज हो रहा है। अब वहीं पर जैसे वाइड एंगल चला के मैं इसको दिखाऊं, तो ये स्लोली एक पैमाने पे जितना स्पीड से ओपन होता है के साथ पूरा पीछे जब ओपन होगा, तो इस वेरिएंट में इतना तगड़ा सनरूफ मिलना इट विल बी अ ब्लेसिंग। और मैं बिलीव करता हूँ कि ये एक सटीक ऑप्शन साबित होगा। तो बहुत सारे लोग जो चाहते हैं सनरूफ बेस मॉडल में, बिंदास ले लीजिए, सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगी जो यूजुअल अभी मिल रही है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो फ़ायदेमंद साबित ये भी होने वाला है कि इसमें आपको ऐसा कुछ इस वेरिएंट में सनरूफ मिल जाएगा। तो कम कीमतों पर सनरूफ भी चाहिए तो टाटा का ये बेस्ट डिसीजन है कि अब आपके लिए हर प्रकार की सुविधा कर देंगे। वहीं पर जैसे मैं 5'10", तो फिर से और एक बार बता देता हूँ कि इतना जिगेंटिक लेग स्पेस मिल जा रहा है, जो मैं बिलीव करता हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट है इस व्हीकल का, कि इसमें स्पेस भी सफिशेंट मिल रहा है। बट सबसे मेजर खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, वो है इसका पीछे का लुक। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। और हाँ, लगे हाथों अगर आप ऐसे अंदर बैठते हैं तो कुछ ऐसा इंटीरियर का खूबसूरत सा लुक मिल जाएगा। हाँ, पीछे भी कुछ ऐसे ही टच दिए हुए हैं, क्लोज बाय मैं आपको नहीं दिखा पाया तो वो आपको एक बार वेरी करवा देता हूँ कि ये पियानो ब्लैक फिनिश टच है पर ये सिंपल ब्लैक है, तो ये हल्का सा दूर से ही हाइलाइटिंग दिखता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पियानो ब्लैक है और ये सिंपल वाला। अब वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे कुछ ऐसा दिखता है, ये है खूबसूरत सा लुक। जो ये थोड़ा सा डोर भाई साहब इसको बिगाड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसे बंद कर देता हूँ। ये बंद करने के बाद सबसे प्यारा लुक ऐसा। अब एक पैमाने में आप दिल से बताइए कि किस एंगल से ये आपको एक बेस मॉडल फॉर्म या सेकंड बेस मॉडल का एक झलक दिखा रहा है, क्योंकि यहीं पर व्हील सेटअप देख रहे होंगे तो वो टॉप नॉच लग रहा है। ऊपर से ये वाला भाग जैसे कोई देखेगा तो वो सनरूफ मिल जाएगा, और पीछे ऐसे भी कोई भी कमी बेसी नहीं करी है, क्योंकि ये पियानो ब्लैक जो सेम रनिंग पे आ रहा है वो एज़ इट इज़ वहाँ तक पीछे तक जा रहा है, तो आगे से पीछे तक कोई ऐसी भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। पर हाँ, आजकल DRL और बैकलाइट का थोड़ा एक प्रोफाउंड रहता है कि ये टर्म पता करना पड़ता है कि क्या ये पूरी तरीके से जॉइनिंग है तो नहीं, तो ये सामने दिखता है तो थोड़ा सा वो पता चल जाएगा। अदरवाइज दिन में किसी भी हाल पे टॉप और बेस में ऐसा सच कुछ फ़र्क नहीं लगने वाला है। तो ये गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा एज पर्सन, और छोटी मोटी चीज़ों के अलावा जो गाड़ी में सबसे टॉप रहनी चाहिए थी वो क्या क्या है अब एट लास्ट कंक्लूजन पे बता देता हूँ। बैक डिज़ाइन में हल्की सी खामी होती है तो खिलती है, पर इसमें ऐसा भी नहीं है कि जैसे कुछ चेंजेस हो तो आपको प्रॉब्लम हो सके, तो ये बिंदास एक कंक्लूडिव पॉइंट रख लीजिए। दूसरा चीज़ मेन रहता है कि हमें ना थोड़ा अलॉय व्हील वाला टच चाहिए, तो क्या अलॉय व्हील इसमें दिया गया है, तो हाँ ये सही बात है कि अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, बट एक बेस्ट पार्ट इसमें ये मिल जाता है कि इसमें आपको कुछ ऐसे कवरिंग मिली है कि पूरी तरीके से अलॉय से ऊपर लगता है, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था जिसे एक हाइपर व्हील टर्म पे आप समझ लीजिए। उसके अलावा
जैसे ही अंदर जाएं तो पूरी तरीके से पैसा उसूल हो जाता है। और वो क्यों उसूल होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जिगेंटिक सनरूफ, और इसके कारण एक तगड़ी गाड़ी ये ऑटोमेटिकली साबित होता है। इंटीरियर भी बाकी अब वेरिएंट में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर ये वेरिएंट में सिंपल सटल जो दो तीन कलर दिया हुआ है वो इसको बेस्ट बना देता है। इसके बाद जैसे यहाँ भी और फ्रंट से ये कैसी दिखती है गाड़ी, तो सुंदर सी प्यारी गाड़ी कुछ ऐसी है। हालांकि छोटी स्क्रीन दी हुई है डिस्प्ले जैसे यहाँ ऑफ कोर्स आपके इंटीरियर पे, पर फिर भी जो भी चीज़ दी हुई है वो बहुत सटीक है। तो आपको ये कितना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप इसे सिंपल एक साइड वाले DRL से इस कीमतों पर सेटिस्फाइड हैं या नहीं, कमेंट दैट टू बिलो।